हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रिधिमा। आज मैं आपके लिए अरवी की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने अभी तक नहीं खाई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। जब हम अरवी को काटते हैं तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अरवी काटते टाइम हमारे हाथों में इचिंग हो जाती है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हाथ पे ऑयल लगाना है, तभी हम अपनी अरवी को अच्छे से छीलेंगे। आप किसी भी नाइफ से छील सकते हैं, चाहे छीलने वाले से चाहे काटने वाले से, जो भी आपको सही लगे। इसी तरीके से हम अपनी सारी अरवियों को छील लेंगे। आप ये जानते हैं अरवी के बहुत फ़ायदे होते हैं। अरवी में विटामिन ए, सी, ई और डी सिक्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इसमें ये दिल की बीमारियों से हमें रिलीफ कराता है, दिल की बीमारी होने से रोकता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कैंसर में भी बहुत मददगार होती है, इसीलिए अरवी हमें अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए। इसके बहुत ही फ़ायदे होते हैं और इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, ये जो हमारी पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हम सारी अरवियों को फ़िश की शेप में काट लेंगे। जब हम फिश मसाला अरवी बना रहे हैं तो लंबे लंबे स्लाइसेस में इसी तरीके से काटिएगा जिस तरीके से मैंने काट कर दिखाया है। अब हम अरवी को वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसे कॉटन के कपड़े में रखेंगे और अच्छे से पूछ लेंगे। उसके बाद हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद 2 चम्मच हम इसमें बेसन ऐड करेंगे, 2 चम्मच दही ऐड करेंगे, 1/4 स्पून हल्दी, 1/4 स्पून गरम मसाला और 1/4 स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 स्पून नमक। ये याद रखें, गरम मसाला ज़रूर ऐड करें इसमें, हींग और जो गरम मसाला, क्योंकि ये बादी होती है लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत होते हैं। जब हम इसमें गरम मसाला और हींग डाल देते हैं अच्छे से तो ये क्या है, नुकसान नहीं देती है। अब हम मसाला बनाएंगे, इसका जो फ़िश वाला मसाला होता है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इमाम दस्ता लेंगे, छोटा या बड़ा जो भी आपके पास है। उसमें 8 से 10 लहसुन की कली, 2 हरी मिर्च काट लेंगे लंबी स्लाइसेस में, 2 इलायची, 1 लाल मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हम इसमें सरसों ऐड करेंगे जिसे मस्टर्ड सीड्स भी बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को एक साथ हम इमाम दस्ते में डाल लेंगे। ये देखिए, अब हम इन्हें जार में भी, ग्राइंडर में भी पीस सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि हमें इन्हें बहुत ही दरदरा कूटना है, इसीलिए हमने इसे यूज़ किया है। और हम इन्हें बहुत दरदरा करेंगे, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस हमें इतना ऐसा दरदरा करना है इस तरीके से कि ये हल्का मोटा मोटा सा पिस जाए। तो इस तरीके से अगर हम ग्राइंडर में करते तो नहीं होता, क्योंकि इसका स्वाद ही बिल्कुल अलग होता है, आप देखिएगा। अब हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे, क्योंकि हम ये अरवी हमें हल्की फ्राई करनी है, लेकिन ये क्या है, ज़्यादा ऑयली नहीं होंगी, क्योंकि हमने इस पे जो पेस्ट लगाया है उससे ये तेल को बहुत ही कम पीती हैं। अब हम एक एक करके मसाला वाली जो अरवी है वो सब ऑयल में ऐड कर देंगे। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद ही हम इसमें सारी अरवियों को ऐड करेंगे, जितनी भी पैन में आ जाएँ एक बार में, और जितनी एक बार में आ जाए उतनी एक बार में, और उसके बाद आप दोबारा भी कर सकते हैं जो आपकी बच जाती हैं। तो इसी तरीके से अब हमारे 2 से 4 मिनट में हमारी एक साइड से अरवी अच्छे से कुक हो चुकी है। मीडियम गैस पर ही हमें कुक करना है इन्हें। धीरे धीरे पलट लेंगे सारी अरवियों को, जिस दूसरी साइड से भी हमें इसी तरीके से ब्राउन करना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस पर, बहुत ही सुंदर लग रही हैं दिखने में। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड से सेकना है। अब हम दोनों साइड से सेकने के बाद इन्हें निकाल लेंगे। ये अच्छे से कुक हो चुकी हैं, इन्हें बॉईल करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुश्किल से 5 से 7 मिनट में हमारी सारी अरवी कुक हो चुकी हैं। अच्छे से कुक होने के बाद और क्रिस्पी होने के बाद ही हमने इन्हें निकाल लिया है। आप खुद देखिएगा, जितना तेल हमने डाला था उतना ही उसमें बचा हुआ है। इसके बाद उस पैन, दोबारा से हम एक और पैन लेंगे,
आप चाहें तो उसी पैन को यूज़ कर सकते हैं। एक चम्मच ऑयल लेंगे और उसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। बहुत ही कम तेल में हम बना रहे हैं इसे, और जो हमने मसाले कूटे थे उन सबको भी हम पैन में ऐड कर लेंगे। मसालों को अच्छे से 2-3 सेकंड के लिए हमें भूनना है। इन्हें मीडियम गैस पर भूनें, ज़्यादा तेज़ गैस पर नहीं हो वरना धसका भी उठ सकता है, क्योंकि इसमें मिर्चें भी डली हुई हैं, तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। और हमने एक छोटी प्याज ली है, उसको भी हम कूट लेंगे हल्का हल्का दरदरा। इस तरीके से कूटने से जो स्वाद आता है अरवी का वो बिल्कुल ही बेहतरीन होता है, बहुत ही स्वादिष्ट अरवी बनती है इस तरीके से। अब हम इसे भी पैन में ऐड कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, उसके बाद हमने प्याज भी ऐड कर ली है। बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, स्पाइसी अगर आप और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग और स्पाइसी कर सकते हैं, मैं मीडियम ही रख रही हूँ। आधा चम्मच जीरा धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच हमने नमक ऐड किया है, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला है, और 1/4 स्पून हमने रेड चिली पाउडर डाला है। उसके बाद आधा कप दही ऐड करेंगे। दही को हमें तब तक फेंटते रहना है, चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आने लगे, क्योंकि अगर हम इसे इस टाइम पर छोड़ देंगे तो जो हमने दही मसाले में डाली है वो फट जाएगी और उसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से हमें इसे चलाते रहना है। ये देखिए हमारे इसमें अच्छे से उबाल पड़ चुका है। अब इस टाइम पर हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। आपको ज़्यादा पतली रखनी है तो आप 2 कप पानी ऐड कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पतली नहीं और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, मीडियम रखूँगी, इसीलिए इस तरीके से मैं इतना ही पानी डाल रही हूँ। अब ये देखिए हमारी अरवी में ज़रा सा भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल ड्राई है ये, ज़्यादा ऑयली भी नहीं है। इस टाइम पर हम इन्हें इसमें ऐड कर देंगे। पानी को हल्का उबाल आने पर ही ऐड करना है और इसे थोड़ा सा ढककर रख देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हमें ढककर रखना है, इसमें अच्छे से कुक हो जाए जिससे सारे मसाले अरवी में चले जाएँ, मिक्स हो जाएँ। और इसके बाद हमें गैस को ऑफ कर देना है और एक बाउल में अपनी सारी अरवी को ट्रांसफ़र कर लेंगे। फिर जो सारा उसका पानी है उसे भी हम इसी में ऐड कर लेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर वीडियो। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। इसी तरीके से हमें लाइक करते रहिएगा और कमेंट करके बताते रहिएगा, जिससे हम ऐसी ही नई वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।